वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं भाई आप सब? होपफुली अच्छे ही होंगे। और जैसे कि मैं हमेशा लेक्चर के स्टार्ट में आजकल एक ही बात करता हूँ कोरोना वायरस के लिए, तो भाई आप अल्लाह ताला से दुआ करो, मासूम हाथों से की जाती है तो जल्दी कबूल हो जाती है। उस दिन भी बात की थी कि हमारे यहाँ बहसीत कौम पाकिस्तान, हम इतने डेवलप कंट्रीज तो नहीं कि बड़ी, हमारे यहाँ जो सबसे पहली और आखिरी ऑप्शन यही है कि हम अल्लाह ताला से ही उम्मीद रखें और दुआ करें कि जल्द अज जल्द इस बीमारी को हमारे मुल्क से, इस पूरी दुनिया से ख़त्म कर दें और अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत में रखें। खैर, कल हम लोगों ने जो बात की थी वो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने डील किया था। एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास मीटर रूल था और जबकि दूसरा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास मेजरिंग टेप था। अब इसके बाद का जो टॉपिक है, अब उसमें हमेशा बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि सर क्या बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा, क्या इससे रीडिंग ली जाएगी? तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आपका एक प्रैक्टिकल पोर्शन होता है, लेकिन इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं उसके लिहाज से हमें वर्नियर कैलिपर किसे कहते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, अगर इसका लीस्ट काउंट है तो कितना है और अगर इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है तो कैसे करना है, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब हमें आज के टॉपिक में देने हैं। खैर, थोड़ा सा वेट भी कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारा जो आज का टॉपिक है मेरा बेटा, वो है वर्नियर कैलिपर। सो सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए वो ये भी है कि भाई जब आपके पास मेजरिंग टेप और मीटर रूल लेंथ मेजर करने के लिए मौजूद थे, ज्यादा डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप मेजरिंग टेप का भी इस्तेमाल कर ले रहे थे और मिनिमम वैल्यू जो ले रहे थे वो 1 मिलीमीटर थी, तो हमें क्या जरूरत पड़ी वर्नियर कैलिपर को या वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करने की? 28 जी, वालेकुम सलाम। 30 जल्दी से मेरा बेटा ऑनलाइन हुआ करो ताकि लेक्चर अपना टाइम से स्टार्ट हो और उसको टाइम से वाइंड अप भी करने के बाद एक्चुअली जो हमारा मोटो होता है वो कंप्लीट हो जाए कि हम क्या चाह रहे हैं आज के टॉपिक में। तो सबसे पहले तो ये चीज़, कल भी ये बात बताई थी कि ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कम से कम वैल्यू को मेजर कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है, उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होती है। एक्यूरेसी कितनी ज्यादा होगी, जो जितना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जितनी छोटी सी छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जी मेरा बेटा, चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, ये चीज अपने माइंड में बिठा लें कि फिलहाल तक की बोर्ड की पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। खैर, सबसे पहली बात तो ये कि कल जो इंस्ट्रूमेंट पड़े थे उनमें मीटर रूल था और मेजरिंग टेप था। इन दोनों इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट था, शॉर्ट फॉर्म एल डॉट सी लिख रहा हूं, वो हमारे पास 1 मिलीमीटर था। इस बात का मतलब ये है कि इसकी एक्यूरेसी, इस बात की एक्यूरेसी या इस इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी है वो 1 मिलीमीटर है, इससे कम की वैल्यू ये मेजर नहीं कर सकता। सर, आर यू हैविंग, बेटा जो अपडेट है अबाउट द प्रैक्टिकल्स वो इल्म की दुनिया की वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी है। वैसे भी आपको बता दूं कि बोर्ड के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनके बारे में 2 ऑप्शंस हैं, एक तो ये कि थ्योरी के बिहाफ पे नंबर लगा दिए जाए, सेकेंडली 1100 को की बजाय जो टोटल नंबर है 1010 कर दी जाए, और थर्ड ऑप्शन ये है कि 27 अप्रैल को जो गवर्नमेंट की जो कमेटी है वो दोबारा बैठेगी और अगर जल्दी हो जाता तो हो सकता पेपर आपके अप्रैल में प्रैक्टिकल्स पेपर हो जाए। और यार ये हादी अली बेटे, सर व्हेन आर यू स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 2? अब मुझे एक बात बताओ, बड़ी क्लियर बात है कि मेरा बेटा चैप्टर नंबर 1 जब मेरा खत्म होगा तो मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगा। फिर कोई ये क्वेश्चन करे सर चैप्टर नंबर 3 कब होगा, तो मेरा बेटा जब चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा, और चैप्टर नंबर 4 कब होगा, जब चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था जिसका आंसर मैंने अभी दे दिया।
वेरी फर्स्ट डे मैंने लेक्चर में आपको ये चीज क्लियर कर दी थी, इट इज जस्ट लाइक योर एक्चुअल क्लास, ये वर्चुअल क्लास भी एक्चुअल क्लास की तरह ही है। यहां पे भी एक एक टॉपिक, आधा आधा टॉपिक पूरे साल पढ़ाया जाएगा, तो ये चीज भूल जाएं कि जहां से बोला वहीं से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं, पूरा कंप्लीट डिटेल लेक्चर यहां पर होगा। और नाइन्थ क्लास के एग्जाम्स की भी बेटा वीडियो वहां पर मौजूद है, उसको भी जरा देख लें। वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि भाई मीटर रूल और मेयरिंग टेप से कम वैल्यू ली जा सकती है। कम से कम वैल्यू का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी, वो हमारे पास 1 मिलीमीटर है। इससे ज्यादा की एक्यूरेसी का मतलब, इससे कम वैल्यू मैं मेयरिंग टेप और मीटर रूल से मेयर नहीं कर सकता। इससे भी अगर छोटी वैल्यू को मेयर करना हो, जैसे कि डायमीटर ऑफ वायर देखना हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर देखना हो, तो भैया हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्नियर कैलिपर का। इट मींस वर्नियर कैलिपर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स द एक्यूरेसी या ऑब्टेन द एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है which is used to measure the length with an accuracy 0.1 millimeter or 0.01 centimeter। मीटर रोल और मेयरिंग टेप से कम वैल्यू ली जा सकती थी वो 1 मिलीमीटर थी, मतलब कि उसकी जो एक्यूरेसी थी लो जी। एक नए शहजादे आ गए, इब्राहिम सर व्हेन आर यू गोइंग टू रिवाइज चैप्टर नंबर 1। तो मेरा बेटा अभी तो हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1 और लेंथ मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट पे आया हूं, वर्नियर कैलिपर पे। अगर आप इसके प्रीवियस लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो मेरे बच्चे फिजिक्स में ऊपर कॉलम मौजूद है वॉच वॉच वॉच, वहां पे जैसे जाते जाएंगे आप प्रीवियस लेक्चर्स की तरफ असेस करते जाएंगे और वहां जाके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। हाँ बेटा, जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं वो अपने प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए ऊपर कॉलम में जाएं, फिजिक्स को क्लिक करें और जहां पे वॉच वॉच आ रहा है उसको क्लिक करते जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया था। अभी तक हम लोग वर्नियर कैलिपर तक हैं, इससे पहले जितने लेक्चर्स थे वो सारे आपके इस पेज पे अवेलेबल हैं। जी मेरा बेटा, अब मैं इसको बता दूं, ये 0.1 मिलीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर से भी छोटी वैल्यू, 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है। इट मींस के वर्नियर कैलिपर की एक्यूरेसी है जो वो ग्रेटर देन है मीटर रूल और मेयरिंग टेप से। एक्यूरेसी ज्यादा होने का मतलब, ये लाइन में बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक्यूरेसी ज्यादा होने का मतलब एक्चुअली ये होता है, ये छोटी सी छोटी वैल्यू को या उससे ज्यादा छोटी वैल्यू को मेयर कर सकता है। जो इंस्ट्रूमेंट जितनी ज्यादा छोटी वैल्यू को मेयर करता है वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होता है, उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होती है। भैया शक्ल इतनी काली क्यों कर दी है, जी मेरा बेटा कैमरा के जरा भजन सेट कर रहे हैं, एक दफा मेरा बेटा जरा रुक जाते हैं हम। जी सर इजाजत है, ओके। तो हमारे पास इसकी एक्यूरेसी 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर है। अब मेरा बेटा एक्चुअली किस चीज को, किस बला को नाम दिया जाता है वर्नियर कैलिपर का, हमें वो बात करनी है। बेटा आज सिर्फ वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, सिर्फ वर्नियर कैलिपर के बारे में। 2 दिन वर्नियर कैलिपर पढ़ाया जाएगा और 2 ही दिन स्क्रू गेज पढ़ाया जाएगा। सो भैया यहां पे इसको मैं रेस कर देता हूं। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर,
कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। बेटा जो लोग भी YouTube पे लेक्चर देख रहे होते हैं या इंस्टीट्यूट्स पे देख रहे हैं, तो आप लोगों को हमेशा एक ही रिक्वेस्ट की जाती है कि जस्ट आपने campus.pk पे लॉगिन होना है। उसका ये फ़ायदा होगा, जैसे यहाँ पे कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं और डायरेक्टली मेरे पास आ रहे हैं, इनके कमेंट्स का मैं जवाब दे रहा हूँ। आपके यहाँ पे आप कुछ लोगों ने टेस्ट भी अटैम्प्ट कर लिया है, तो टेस्ट भी होते हैं, आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। लेकिन जब सिर्फ YouTube पे आप लेक्चर देख रहे होते हैं तो आपके कमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो मेरे साथ नहीं पहुँचते और उनका जवाब में टाइमली नहीं दे पा सकता। इसलिए मेरा बेटा आपने क्या करना है, campus.pk पे लॉगिन होना है। तो भैया कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स की अगर बात की जाए, तो वर्नियर कैलिपर में भी इसके अंदर एक्चुअली दो स्केल्स होते हैं। वर्नियर कैलिपर्स में एक्चुअली दो स्केल्स होते हैं। एक स्केल आपके पास फिक्स्ड होता है, फिक्स का मतलब जिसको मूव नहीं किया जा सकता, और एक आपके पास मूवेबल होता है। जरा अगर आप गौर फरमाएं पेज नंबर 10 पे, तो पीछे जो आपको एक स्केल की तरह स्केल नजर आ रहा है, या मीटर रोड की तरह जो स्केल नजर आ रहा है, ये फिक्स्ड है, और उसके ऊपर जो छोटा सा एक स्केल बना हुआ है ये मूवेबल है। इसको क्या नाम देते हैं, फिक्स स्केल को, जैसे कि मीटर वाला जो स्केल था, फिक्स स्केल को नाम दिया जा रहा है। सर डिफाइन नजर नहीं आ रही, डेफिनेशन नजर नहीं आ रही। सो बच्चे डेफिनेशन जो आपकी पेज नंबर 10 की पहली दो लाइनें हैं वहीं पे ही लिखी हुई है, मैं आपको एंड पे डिक्टेट भी करवा दूंगा। और जहां तक मेरी स्क्रीन है मुझे ईच एंड एवरीथिंग क्लियर नजर आ रही है। आप अपनी वीडियो की रेजोल्यूशन को चेंज, वीडियो क्वालिटी को चेंज करके देखें। फिक्स स्केल को हम नाम देते हैं मेन स्केल का, जबकि मूवेबल स्केल यहां पे, एक्सक्यूज मी सर वी कांट सी द बोर्ड, हादी अली कह रही है जी। बेटा आप कौन सा बोर्ड देख रहे हो, हमें तो क्लियर नजर आ रहा है। जी बेटे क्लियर हो गया तो बच्चे बताएं। हादी अली बेटा अगर क्लियर हो गया बोर्ड तो बताएं ताकि मैं पढ़ाऊं। ओके, फिक्स स्केल को हम नाम देते हैं मेन स्केल का, और मूवेबल स्केल को नाम दिया जाता है वर्नियर स्केल का। दो स्केल्स होते हैं, वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ टू स्केल्स, वन स्केल इज फिक्स्ड एंड अदर इज मूवेबल। वन इज फिक्स्ड एंड अदर इज मूवेबल। वन स्केल इज फिक्स्ड एंड अदर इज मूवेबल। हमारे पास वर्नियर कैलिपर की बात हो रही थी, कंस्ट्रक्शन की बात करने लगा था कि कौन सी चीजें मिलकर वर्नियर स्केल बनाती हैं। तो दो वर्नियर स्केल के अंदर दो स्केल होते हैं, वर्नियर कैलिपर दो स्केल्स पर मुश्तमिल होता है, एक को फिक्स्ड और एक मूवेबल। एक अपनी जगह पे रुका रहता है और एक हम मूव कर सकते हैं। पेज नंबर 10 पे जो स्केल आपको मीटर रॉड की तरह नजर आ रहा है वो फिक्स्ड है, और ऊपर जो स्केल नजर आ रहा है वो आपके पास मूवेबल है। फिक्स स्केल को नाम दिया जाता है मेन स्केल का, ये हमारे पास इसका मेन स्केल आ गया, और जो स्केल मूव कर सकता है उस स्केल को हम नाम देते हैं वर्नियर स्केल का। अब मेरा बेटा आपके पास जब हमें लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना, जैसे कि मैंने कहा वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है जी 0.1 मिलीमीटर या 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ कैन वी कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, स्मॉलेस्ट रीडिंग
ऑन मे, बेटा जितना बताया गया फिलहाल उसको तो देख ले, मूवेबल जा या फिक्स जाओ, क्या बात है। स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल एंड नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन वर्नियर स्केल। बेटा एक चीज मैंने आपको बताई थी कि चैप्टर नंबर वन में जो चीज आपको लर्न करने के लिए बताई जाएगी तो आपने कोशिश करनी है वही चीजें लर्न करनी है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पेपर में आ सकती हैं, जिनका पोर्शन प्रैक्टिकल में है या जो पेपर में नहीं आ सकती वो चीजें मैं आपको खुद ही डिक्टेट करवा दूंगा और स्किप करवा दूंगा। सो मेरा बेटा यहां से देखिएगा, खैर जहां जो फातिमा ने बात की भाई, इसके दो जास, दो जबड़े नजर आ रहे हैं, जो फिक्स स्केल के साथ उसको फिक्स जॉ कहते हैं, जो मूवेबल के साथ है उसको मूवेबल कहते हैं। तो इसको मैंने और ज्यादा आसान बनाने के लिए आपको दो स्केल की इस तरह कंस्ट्रक्शन बताइए, स्क्रू गेज में भी बिल्कुल ऐसे ही है। खैर फिलहाल यहां पर आते हैं, हाउ कैन वी कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जी बेटा डायामीटर भी है, तो डायामीटर इज ऑल्सो अ लेंथ। अगर आपके पास ये एक सिलेंड्रिकल शेप या आपका जो सर्कुलर शेप है तो यहां से यहां तक की लेंथ को डायामीटर कहा जाता है, और बहुत छोटी सी वायर का, बहुत छोटे से सिलेंडर का डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्नियर कैलिपर का। बड़ी चीजों की लेंथ तो स्केल से भी मेयर की जा सकती है और गेज से भी। बेटा अगर मैं लीस्ट काउंट बता दूं, एंड द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड द वर्नियर कांस्टेंट, मियां साहब, द स्मॉलेस्ट मेन स्केल इज जस्ट लाइक अ मीटर रॉड, और इस पर जो स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है वो हमारे पास होती है 1 मिलीमीटर। मेन स्केल इज जस्ट लाइक अ मीटर रॉड, और इस पर जो सबसे छोटी रीडिंग होती है, कल भी पढ़ी थी, वो कितनी होती है 1 मिलीमीटर। तो मैं ऊपर लिख लेता हूं जी 1 मिलीमीटर। उसके बाद ये जो वर्नियर स्केल है जिसको मूवेबल स्केल कहते हैं, वो कहते हैं इस पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजंस कितनी है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजंस का मतलब ये है कि इस पूरे स्केल को कितने हिस्सों में तोड़ा गया है, तकसीम किया गया है, बनाया गया है। यहां पे एक डिवीजन कितनी वो नहीं देखना फिलहाल, ये देखना है कि इस पे टोटल नंबर ऑफ लाइंस या डिवीजन, डिवीजन का मतलब है उस चीज को डिवाइड करना, तो कितने हिस्सों में किया गया। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन वर्नियर स्केल होती है 10। इसके साथ किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं आता, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। जैसे कि आप क्लास में, अगर मेरे पास 38 स्टूडेंट्स हैं तो यहां पे किसी किस्म के यूनिट की यूज नहीं किया जा सकता, तो नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। खैर फिलहाल 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10, एक को जब 10 पे डिवाइड किया जाता है, तकसीम किया जाता है, तो मेरे पास आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर। और अगर इसको आप थोड़े से बड़े यूनिट में लेके जाना चाहते हो सेंटीमीटर में, तो कल आपने पढ़ा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना हो तो 10 पे डिवाइड करेंगे, तो 0.1 को जब 10 पे डिवाइड किया जाता है और जीरो ऐड हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। 0.1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये था मेरा बेटा द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगेन द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, स्मॉलेस्ट रीडिंग मेन स्केल किसे कहते हैं, जो कि मीटर रॉड का था, और मीटर रॉड पे जो स्मॉलेस्ट रीडिंग थी वो 1 मिलीमीटर है। इसके बाद बात की जाती है नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन वर्नियर स्केल, के वर्नियर स्केल पर टोटल कितनी लाइनें हैं या वर्नियर स्केल को टोटल कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो वो मेरा बेटा हमारे पास 10 है। तो 1 को जब 10 पे मल्टीप्लाई करते तो 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपने याद क्या करना है, लर्न क्या करना है, तो पेज नंबर 10 पे अगर आप गौर फरमाएं तो शुरू में द एक्यूरेसी ऑब्टेन इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूजिंग अ मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर। अगर मीटर रूल या मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करो तो एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर आती है, बट एन एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग एन अदर इंस्ट्रूमेंट सच एज वर्नियर कैलिपर। अगर इससे ज्यादा की एक्यूरेसी चाहिए तो वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मेरा बेटा वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ टू जॉज और कंसिस्ट ऑफ टू स्केल, वन इज फिक्स्ड एंड अदर इज मूवेबल, यहां तक आपने करना है। उसके बाद जहां पे आपको लास्ट में फॉर्मूला नजर आ रहा है,
least count of vernier calipers is equal to smallest reading on main scale divided by number of divisions on vernier scale, 1 divided by 10, तो ये आएगा 0.1 मिलीमीटर, और अगर इसको मजीद 10 पे डिवाइड करोगे सेंटीमीटर में लाने के लिए तो आ जाएगा आपके पास 0.01 सेंटीमीटर। यही चीजें आपने सिर्फ याद, सर आपने लीस्ट काउंट से क्या लिखा है नजर समझ नहीं आ रहा सर, पूरा याद करें या सिर्फ सिर्फ डेफिनेशन आपने याद करनी है और जो फॉर्मूला आपकी बुक में लिखा हुआ वही लिखा है, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजंस ऑन वर्नियर स्केल। माहम बेटा टेस्ट कैजुअल आपका गिवन है आपके पेज पे और आप इसको सभा बता भी देती हैं, तो वहां पे हर सब्जेक्ट का गिवन है कि कब क्या होगा। सर लीस्ट कौन क्या है, माशाल्लाह सफा ने पूछा जी कल ये चीज हमने एक्सप्लेन की थी, लीस्ट का मतलब होता है कम से कम और काउंट का मतलब होता है गिनना, वो वैल्यू जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से सबसे छोटी वैल्यू मेजर की जा सकती है, मतलब उससे कम वैल्यू को नहीं मेजर किया जा सकता उसे लीस्ट कौन कहते हैं, उसकी कितनी हद है सबसे कम कितनी वैल्यू जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। इसलिए कहता हूं मेरा बेटा जो लोग न्यू है ना क्लासेस पहले वाली भी देख लें, सर ये लास्ट वाला दोबारा प्लीज बता दें याद करने वाला, लास्ट में मेरा बेटा लिखा हुआ है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल पेज नंबर 10 पे, जहां पे वर्किंग वर्नियर कैलिपर उसके ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है वो फार्मूला एंड तक करना है। जी अगेन व्हाट इज एक्यूरेसी, इब्राहिम साहब लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द एक्यूरेसी ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट जितना ज्यादा छोटी वैल्यू को मेयर कर सकता है उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होती है, इसको वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर को। अगेन जब एरिया में बता देता हूं बेटा, सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन्स में लिखा हुआ है एन एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर कैन बी ऑब्टेन बाई यूजिंग अ एन इंस्ट्रूमेंट डेट इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर, ये आपने याद करना है। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ टू जॉज, वन इज फिक्स्ड एंड अदर इज मूवेबल, मूवेबल तक आपने याद करना है। और उसके बाद सिर्फ लास्ट में जो फार्मूला गिवन है या यहाँ लीस्ट काउंट द वर्नियर कैलिपर्स कैन ऑल्सो बी फाउंड एज गिवन बिलो पेज नंबर 10, उसका जो सेकेंड पैराग्राफ जहाँ पे लास्ट पे एंड हो रहा है वहाँ पे लिखा हुआ है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजंस ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंट। जी मेरा बेटा बस यही है, और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी ये कोशिश भी होगी कि इन सब के नोट्स, बेटा जिस तरह दो घड़ियाँ होती हैं ना जिसमें एक सुइयों वाली घड़ी होती थी हम कहते हैं मैकेनिकल, और जिसमें डिजिट्स नजर आए उसको डिजिटल कहते हैं, जो एडवांस लेवल का वर्नियर कैलिपर है उसको डिजिटल वर्नियर कैलिपर कहते हैं, उसकी एक्यूरेसी इससे भी ज़्यादा है, 0.01 मिलीमीटर है या फिर 0.001 सेंटीमीटर है, उसमें डिजिट्स की फॉर्म में आपको वैल्यूज नज़र आती है। जी बेटा फिलहाल वो नहीं करना जितना कहा गया, अगर आप वही कर लें तो मेहरबानी होगी आपकी, उसको एमसीक्यू उसके लिए याद कर लें लीस्ट काउंट उधर जो पेज नंबर 12 पे डिजिटल वर्नियर कैलिपर लिखा हुआ है। मैं बेटा बेटा 9th क्लास को हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि जो चीज़ बेटा पेज नंबर 10 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेयरमेंट्स, मुझे अंदाज़ा हो गया मेरे पास माशाल्लाह मेरे जैसे काफ़ी ज़्यादा नमूने इकट्ठे हो गए। लो जी व्हाट इज डिजिटल वर्नियर कैलिपर, व्हाट इज डिजिटल वर्नियर कैलिपर, बेटा पेज नंबर 12 पे आओ डिजिट्स की फॉर्म में, जिस तरह आपको आपके पास घड़ी होती है वॉच होती है जहाँ पे डिजिट में लिखा होता है उसको डिजिटल कहते हैं, और ये एडवांस वर्नियर कैलिपर है और इसका लीस्ट काउंट इससे भी कम है मैकेनिकल से, लेकिन हमारी लेबोरेटरी में जो हम यूज करते हैं वो मैकेनिकल मतलब के पुराना वर्नियर कैलिपर है। पेज नंबर 12 पे डिजिटल वर्नियर का ये साइड इंफॉर्मेशन में गिवन है।
हाँ जी, अगर आप जरा मुझे भी क्लियर कर दें कि यहां तक टॉपिक आपको क्लियर हो गया तो काइंडली उसको बता दें। इब्राहिम साहब, कॉपी पेस्ट की ऑप्शन अगर ज्यादा मौजूद है तो इसको ब्लॉक भी किया जा सकता होता है। और पेज नंबर 12 गिवन है मेरा बेटा आपके पास डिजिटल वर्नियर कैलिपर के लिए। मैंने बताया दो तरह की घड़ियां होती है ना, सुइयों वाली उसको मैकेनिकल कहते हैं, जिसमें डिजिट्स हैं उसको डिजिटल कहते हैं। इसी तरह जो हमने पढ़ा वो मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर था, जो एडवांस लेवल पे अब बनाया गया उसको डिजिटल कहते हैं, उसमें डिजिट्स आते हैं। जुमला इस तरह नजर आ रहा होता है भी 4 है 5 है, वो लिखा होता है नंबर्स की फॉर्म में। बेटा इब्राहिम मजाक उड़ा रहा है तो ब्लॉक भी हो सकता है। खैर फिलहाल अभी बच्चे नए नए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे इसके साथ। क्लियर है मेरा बेटा क्लियर का तो बता दें। जी बेटा यही। पेज नंबर 10 पे डेफिनेशन पहली 3 लाइनों में लिखी हुई है भाई। चलो भैया मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।